नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ गेहूँ के आटे से बना बहुत ज़्यादा टेस्टी कुरकुरा नाश्ता, वो भी सिर्फ एक चम्मच तेल में बनाएंगे हम। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी रेसिपी है और बहुत लाइट वेट है। आप बिना भूख के भी इसे खा सकते हैं, पेट भर जाएगा परंतु मन नहीं भरेगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 150 ग्राम आटा लिया है, गेहूँ का ही है। इसको बारीक छन्नी से छानना है, हो सके तो आप सूती कपड़े से भी छान सकते हैं। वैसे ये एक कप है और ग्राम में ये 150 ग्राम है। यहाँ गेहूँ के आटे को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम टेस्ट अनुसार नमक डालेंगे और यहाँ पर मैंने एक चम्मच हल्का गुनगुना तेल डाला है और इसको हल्के हाथों से उंगलियों से हम मिलाएंगे। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं मैं उस तरह से मिला रही हूँ। इन्हें हमें हल्के हाथों से मिलाना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को डो को तैयार करेंगे। आटा हमें यहाँ पे गुथना नहीं है, इकट्ठा करना है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने इस तरह से आटे को इकट्ठा कर लिया है और गोल करके यहाँ पर हल्का सा तेल लगा कर इसे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं आटा कितना अच्छा हो गया है। अब इसे हमें पंच मार के बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है और आटा रखे हुए हल्का से फूल भी जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं मैंने आटे को इस हल्के हाथों से इस तरह से तैयार किया है और बीच बीच में मैंने थोड़ा सा आटे को पटका भी है। पटकना इसलिए ज़रूरी है, इससे आटा हमारा चिकना हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। मैंने 7 से 8 बार इसको पटका है। अब यहाँ पर हमारा डो तैयार हो चुका है, अब इसे हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, यहाँ पे मैं एक चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ, आप तेल भी डाल सकते हैं। एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने सौंफ डाला है और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसको हम डाल देंगे। इसको हमें 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनना है और इसको चलाते रहना है क्योंकि सौंफ थोड़ी सी चिपकने लगती है। गैस को हमें धीरे ही रखना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, प्याज मैंने थोड़ी सी भून ली है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े आलू लिए थे, इनको मैंने हाथों से तोड़ लिया है। अब इन्हें डालकर हमें अच्छे से भुनाई करनी है। आलू जितना अच्छा भुनेगा उतनी ही अच्छी हमारी यहाँ इसका जो हम नाश्ता बना रहे हैं तो आलू अच्छा तैयार होगा। अब यहाँ पे मैं टेस्ट के अनुसार 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ। 2 पिंच यहाँ पे मैं हींग डालूंगी। अब मैंने यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला डाला है और अच्छे से मिलाएं। और फिर मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला मिलाया है। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब मैं यहाँ गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद करने के बाद यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को डाला है और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है। इधर हमारा डो भी तैयार हो गया है। यहाँ मैंने 5 लोई बना लिए हैं। अब हमें 1 लोई उठानी है, उसको किनारे किनारे से हमें पतला करते जाना है और बीच का हिस्सा हमें मोटे रखना है। अब यहाँ पे हम जितनी इसमें फिलिंग आ सके तो वहाँ पे एक चम्मच की सहायता से इसे भर देंगे और अंगूठे से अंदर करते जाएंगे, प्रेस करते हुए इस तरह से घुमाते हुए इसको हम बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा आटा है उसको हम घुमा घुमा कर इसे निकाल देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखकर जब मन चाहे बना के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता 2-3 दिन भी। और नहीं तो मेरे को भी भूख लग रही है, मैं आप भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। मैं हाथों की सहायता से लगा रही हूँ, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। इधर मैंने एक स्टैंड रखा है और इस प्लेट को हम रख देंगे। 5 मिनट के लिए हमें कुक करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कुक हो गया है और फूले फूले से बन गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं गैस को बंद कर देती हूँ। इन सबको मैंने प्लेट में निकाल लिया, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हमारे नाश्ते लग रहे हैं। अब इसे हमें दोबारा से इन्हें पकाना है। तो आगे मैंने फिर एक पैन रखा है, इस पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है। इस तरह से हम
दोबारा से इस नाश्ते को इस तरह से इस पर रख देंगे और 2-3 मिनट तक धीरी आंच पर इसे दोनों तरफ से सेकना है। इसे हमें अलट पलट कर सेकना है जब तक कि लाइट ब्राउन क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेक लिया है। सेकने के बाद आप एक पैन में थोड़े राई, धनिया ये सब डाल के इन्हें दोबारा से एक बार लगा दीजिए, जिससे देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस नाश्ते को तैयार कर लिया है। बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार हुआ है और देखने में कलर में बहुत सुंदर आया है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होता है और कम तेल का नाश्ता देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और बहुत कम चीज़ों से मैंने इसको यूज किया है। आप लोग खाएंगे तब आपको पता लगेगा, आपका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।